झारखंड में उत्पाद सिपाही दौड़ की परीक्षा चल रही थी, उत्पाद सिपाही की भर्ती चल रही थी। इस दौरान जो दौड़ हुआ उसमें अब तक 12 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की मौत हो गई। हालांकि मौत किन कारणों से हुई इसको लेकर के सरकार जांच करी, ये कहा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी थी उन्हें हार्ट अटैक आया है। इस वक्त मैं रांची के ये रामपुर में हूँ, नामकुम का यह इलाका है, रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, नामकुम ये खिजरी विधानसभा में आता है, खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और ये विकास लिंडा जी का घर है, ये उनकी माँ है। आपने अपना बेटा खो दिया, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ हम तो देखने नहीं गए थे, लेकिन दौड़ क्या जानकारी मिली, कैसे आपके आपके बेटे यहाँ से जब घर से गए थे तो क्या वो सही सलामत थे, उनकी कोई तबीयत खराब थी? नहीं, कुछ तबीयत खराब नहीं था मेरा बेटा को, कुछ बीमारी भी नहीं था, कोई नशा पान भी नहीं करता था। फिर कैसे हो गया अचानक? दौड़ने गया था वहाँ साहेबगंज, तो दौड़ने के दौरान उसको चक्कर आया तो गिर गया, बेहोश हो गया। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि वो तो फुटबॉल खिलाड़ी थे, मतलब शारीरिक रूप से मजबूत थे? अच्छा थे, मजबूत थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, हल चलाते थे, सब चीज़ करते थे। अच्छा, घर में कमाने वाला कौन सदस्य है? उनके पापा हैं? नहीं, इसके पापा भी डेट कर दिए, कोई नहीं है, एक साल होने जा रहा है, साल भी नहीं पूरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा आए थे, क्या बोले, क्या आश्वासन दिए? वे तो बोले कि एक बेटा को नौकरी देंगे करके तो बोले हैं, लेकिन लिखित तो नहीं दे के गया है, ऐसे ही कल मौखिक बोल के गया। आप लोगों की क्या मांग? हमको भी वही चाह रहे हैं, बेटा को नौकरी कम से कम दे, मेरा जीने खाने के लिए, मेरा सहारा को तो छीन लिया गया, सिपाही में दौड़ के लिए गया तो उधर ही दे दिया, देश के रक्षा के लिए गया तो उधर ही हो गया, खत्म हो गया, मेरा बच्चा लौटा ही नहीं, क्या करें। आप कौन हूँ? हम चाचा हो। चाचा हैं? उस दिन कब हो गए थे यहाँ से विकास? यहाँ 29 तारीख को निकले थे, 29 तारीख को निकले, 30 तारीख को वहाँ रेस्ट किया, 31 को उनका दौड़ था 31 को, लाइन लगाते तो इन लोग को धूप में दौड़वाता है 12-1 बजे, दौड़ते तीसरा कि चौथा क्रम में दौड़ चुका था, लास्ट क्रम में उसको चक्कर आ गया, थक गया, चक्कर आके गिर गया, वहाँ बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वहाँ उठा के ले गया आपका सदर हॉस्पिटल में, यहाँ जो उसका एक साथी था वो इंतजार कर रहा है कि उसका घर आपका, लेकिन चलते अंदर वहाँ से घर का खबर और क्या हुआ था आप बता सकते हैं? अस्पताल में कुछ उनके इलाज में भी कमी रही? कमी रही तब ही हुआ, जब हम लोग बेटी लोग गई देखने तो समय उसका होश आ गया था सही सलामत, उन लोग से बैठ के बातचीत भी किया, खाना भी खाया, पल उपल खाया, जूस वूस ले गई थी सब पिया, उसके बाद बहुत देर बात की बोली थी। अच्छा, आप कौन है? हम विकास लिंडा का बड़ा भाई हैं। बड़ा भाई, ये अभी गांव से लोगों ने बताया कि विकास तो अच्छे मतलब खिलाड़ी भी रहे, शारीरिक रूप से मजबूत भी थे, फिर कैसे हो गया घटना? हॉस्पिटल के दौरान हुआ। तो क्या लगता है, मतलब इलाज में लापरवाही हुई है ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, जैसे कि वो हर समय वॉलीबॉल सब खेलता था, फुटबॉल वगैरह खेलता था, तो वो लड़का फिटनेस भी था, पूरा अच्छा था जाँच दौड़ उड़ में, तो फिर वो अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, हॉस्पिटल के दौरान हुआ। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन तो मिला है। अभी असम के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, क्या बोले? बोले कि नौकरी के लिए बात करेंगे राज्य सरकार से, नहीं होगा तो सेंट्रल सरकार। आप लोगों की क्या मांग है, क्या जांच में जो लापरवाही की बात कर रहे हैं अस्पताल में, तो क्या इसको लेकर के भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए, जांच तो उसका न्यायिक जांच होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि मतलब अस्पताल में लापरवाही जिस कारण ऑक्सीजन का कमी हो रहा था, तो उसको ऑक्सीजन सही रूप से दिया, उस सिलेंडर खाली था कि क्या था, आप लोगों को लगता है? क्या लगते हैं चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? आपको लगता है कि इलाज में लापरवाही के कारण आपके बेटे की मौत हुई है? बेटी लोग गई थी, वो लोग खुद बता रही हूँ, ऑक्सीजन मांगा गया तो वहाँ कर्मचारी बोलता है कि मेरे जिम्मा में नहीं है, तो क्या वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है वहाँ उधर घूम है? जी बिल्कुल, ये विकास लिंडा जी का घर है और मैं दिखाना चाहूँगा,
ये देख सकते हैं घर की स्थिति से भी आप समझ सकते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि घर और ये तस्वीर है, देखिए ये अभी भी फुटबॉल वाली जर्सी में ही इनकी ये जो तस्वीर है जो घर वालों ने लगा कर रखा है अपनी याद में। आप देख सकते हैं कि परिवार का भी ये कहना है कि जो फुटबॉल खिलाड़ी है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है, तो वो शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत थे। और उसके बाद एक बहन भी गई थी, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ गई हैं दीदी उनकी? अच्छा, ये बहन है, आप ही गई थी वहाँ पर? आप भी उत्पाद वाले में दौड़ में गई थी? हाँ। भाई के साथ? भाई के साथ नहीं, भाई एक दिन पहले गए थे। अच्छा, आप मतलब आप भी उस वैकेंसी में ये थी? हाँ। आपका दौड़ का क्या हुआ? मेरा दौड़ 2 तारीख को था, तो भाई डेथ की 1 तारीख को, तो फिर वापस आ गया। भाई से अंतिम बार क्या बात हुई थी, क्या बोला था उन्होंने? वो बोले थे कि बस अच्छे से दौड़ना, हरासमेंट हो जाएगा, निकल जाना। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा लिंगा। अभी असम के मुख्यमंत्री आए थे, क्या बोले? वो बोल के गए हैं भाई के लिए एक सरकारी नौकरी के लिए बात करेंगे। क्या आप लोग क्या लगता है कि क्या हुआ होगा ऐसा, जब शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे, खिलाड़ी भी रहे हैं, और आप लोगों ने बताया कि उनका लंबा प्रैक्टिस भी था दौड़ने का? वो सब हॉस्पिटल का ये है, लापरवाही है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बस एक सलाइन का बोतल था और कुछ नहीं था। और हॉस्पिटल का जो नज़ारा था वो बहुत ही दयनीय था, इतना कचरा था वहाँ पे, कितने दिन से पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका खाना जो बासी खाना नीचे था टेबल के नीचे, वो साफ सफाई कुछ नहीं था वहाँ पे बिल्कुल। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये विकास भाई से अंतिम बार क्या बात हुई थी, क्या बोला था उन्होंने? वो बोले थे कि बस अच्छे से दौड़ना, हरासमेंट हो जाएगा, निकल जाना। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा लिंगा। अभी असम के मुख्यमंत्री आए थे, क्या बोले? वो बोल के गए हैं भाई के लिए एक सरकारी नौकरी के लिए बात करेंगे। क्या आप लोग क्या लगता है कि क्या हुआ होगा ऐसा, जब शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे, खिलाड़ी भी रहे हैं, और आप लोगों ने बताया कि उनका लंबा प्रैक्टिस भी था दौड़ने का? वो सब हॉस्पिटल का ये है, लापरवाही है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बस एक सलाइन का बोतल था और कुछ नहीं था। और हॉस्पिटल का जो नज़ारा था वो बहुत ही दयनीय था, इतना कचरा था वहाँ पे, कितने दिन से पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका खाना जो बासी खाना नीचे था टेबल के नीचे, वो साफ सफाई कुछ नहीं था वहाँ पे बिल्कुल। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये विकास लिंडा का घर है, उत्पाद सिपाही भर्ती में इस घर का एक लड़का गया था, ये इस उम्मीद से परिवार ने अपने बेटे को भेजा था कि शायद उसकी नौकरी लग जाए, पुलिस में नौकरी हो जाएगी, तो परिवार की माली स्थिति सुधर जाएगा। घर भी देख सकते हैं आप, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये खपड़े का घर है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि राजधानी रांची से सटा हुआ ये क्षेत्र, और ये घर की स्थिति से आप आकलन कर सकते हैं कि कैसी आर्थिक स्थिति है, क्या परिवार पर गुजर रहा होगा। इस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, जिस पर उम्मीद थी कि वो उत्पाद सिपाही में जब सिलेक्ट हो जाएगा, यानी जब उसकी नौकरी हो जाएगी, तो घर की थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि जिस बेटे को इस उम्मीद के साथ ये विदा कर रहे हैं, उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा। एक माँ ने अपने बेटे को जीवित भी नहीं देख पाया, जब उन्हें जानकारी लगी कि दौड़ के दौरान बेटा बेहोश होकर गिर गया, जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो गई थी। उनकी बहन भी उसी भर्ती परीक्षा में दौड़ने गई थी, भाई ने बहन को भी कहा था कि तुम अच्छे से दौड़ना, लेकिन उस भाई को कहाँ पता था कि मैं ही नहीं रहूँगा अपनी बहन को देखने के लिए। इस घर की स्थिति को आप देख सकते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो जरूर आपको, चाहे आर्थिक मदद की बात हो या नौकरी की, करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार क्या करती है इस पर हम दबाव बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो घटना हुए है ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही दुखदायक है। बेटा पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का कांस्टेबल बनने गया था, लेकिन उनका मृत शरीर ही घर में लौट के आया। बहन ने जो बताया, पहला तो उनका बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में, लेकिन लोगों का मन में यह संदेह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोई जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि
ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, यहाँ में वो दौड़ भी रहा था, कभी उनका कुछ बीमार नहीं हुए। वहां जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा बात एक जांच भी होना चाहिए और पूरा समस्त जो घटना है उनको जनता का सामने सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मेरा दो रिक्वेस्ट है जेएमएम कांग्रेस सरकार से कि घर में जो बेटा अभी बसा, बड़ा उनका भाई है पवन लिंडा, उनको एक नौकरी दे दीजिए, तब कम से कम ये जो गरीब घर है वो सल पाएगा। हमारा बीजेपी से जो कुछ मदद संभव है हमने किया हूं, लेकिन सरकार तो हमारा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, ये घर आपका ही है, बेटा बेटी आपका ही बेटा बेटी है, भाई आपका ही है, तो आप एक नौकरी वो लोग को दे देने से, ये माँ भी विधवा है, कम से कम घर सल जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, भगवान हमारा सरकार लाते तो हमको देना पड़ेगा, और नहीं भी होगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है कोऑर्डिनेट करके जितना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा, मैं ये फैमिली को मदद करने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा असम होने से तो मैं अभी तुरंत ही कुछ कर देते थे, झारखंड में तो मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरा कनेक्शन है, जो भी मेरा कुछ है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं उनको कुछ करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं करो ना करो ये बराबर नहीं है, मुख्यमंत्री जी का ये खुद का फैमिली है, खुद का भाई है, खुद का बहन है, एक नौकरी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक नौकरी पवन लिंडा जी को दे दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन होगा। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, परिवार जन का साथ बात करने का बाद मेरा यही हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि ये परिवार को आप जरूर एक नौकरी दीजिए। देखिए बेचारा का हालत क्या है, गरीब है, एक नौकरी का तलाश में उनका एक बेटा गया था, दो बहन है, वो लोग भी गए थे, तो एक नौकरी का बहुत फैमिली को जरूरत था, तो इतना ही मैं बताऊंगा। एक नौकरी हमें मिलनी चाहिए ताकि घर की स्थिति थोड़ी सुधर सके। फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं इस घर का, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। खैर कुछ लोग हैं जो बात करने की इस वक्त स्थिति में भी नहीं है, परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, सिपाही बनने का एक सपना परिवार ने देखा था, उस बच्चे ने देखा था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।